नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, हारमोनियम पर खुद से गाना कैसे निकालें, आपका दोस्तों यही डाउट है और यही डाउट शायद चलता रहे जब तक आप पूरी जानकारी नहीं लोगे। दोस्तों, सारे डाउट मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। क्या हारमोनियम का बेसिक होता है, गाना निकालने के लिए हमको क्या सीखना पड़ता है। दोस्तों, यूट्यूब पर तमाम बेवकूफ़ बनाने वाली वीडियो इतनी पड़ी हुई है कि 5 मिनट में हारमोनियम सीखे, 2 मिनट में कोई सा भी गाना मन चाहा वो गाना निकाले, पर दोस्तों बट ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छे दिमाग से सोचिए, आप हारमोनियम संगीत सीख रहे हैं। संगीत दोस्तों क्या चीज़ है, देवताओं की चीज़ है, ये मामूली बात नहीं है। दोस्तों 2 मिनट में कैसे आप इसको बजा लोगे, खुद आप समझदार हैं, सीखिए। तो दोस्तों मैं आपको आपके जो सारे डाउट हैं मैं सारे क्लियर करूंगा और दोस्तों बताऊंगा किस तरीके से आप इसको स्टार्टिंग कीजिए, किस तरीके से आप जो बात है ना हारमोनियम से खुद से गाना निकालने की, वास्तव में दोस्तों 100% गारंटी मैं देता हूं आपको। आप जुड़िए मेरे साथ, मैं बताता हूं कि गाना कैसे निकलेगा और किस तरीके से निकलेगा। पर दोस्तों जल्दबाजी कुछ नहीं होती है कि एक ही दिन में आप के ये कर लो कि वो कर लो। मेरे झूठ बोलने की दोस्तों मुझ में आदत नहीं है, जो सत्य है। देखिए दोस्तों, मैं हारमोनियम की सीखा हूँ, मैं हारमोनियम मैंने क्लास ली है तो मुझे पता है क्या होता है। दोस्तों एकदम कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे आप इसको रियाज करोगे, संगीत है, धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो दोस्तों आप खुद से गाना मन चाहा वो गाना निकाल सकते हो। दोस्तों हम कुछ भी गाना निकाल सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है कि 1 मिनट में सीख जाओ, 2 मिनट में सीख जाओ। आप मुझ पर 100% भरोसा कर सकते हैं। आपने दोस्तों मुझे पता है बहुत सारी वीडियो आपने इधर उधर की देखी होंगी, जब आप इतनी वीडियो देख चुके हो तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को एंड तक देखिए, 100% आपको फ़ायदा होगा। जो बात मेरा कहूँगा उसको फॉलो करना पड़ेगा, 100% आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों धीरे धीरे मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ, वीडियो के साथ जुड़िए। और वीडियो कहीं तक भी थोड़ा भी बहुत आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों ऐसे ही मैं आपको हारमोनियम से रिलेटेड जो सारी गाना निकालने की बात है, जो अगली वीडियो बनाऊँगा मैं दूसरा टॉपिक ले लूँगा। मुझे पता है, देखो मैंने सर्च किया है दोस्तों कि आपके डाउट क्या है, मैंने रिसर्च किया कि आपके डाउट क्या है। धीरे धीरे दोस्तों मैं इसी प्रकार की वीडियो लाऊंगा और दो चार वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो दोस्तों आइए ज़्यादा बात ना करते हुए धीरे धीरे मैं आपको सिखाता चलूँगा और सारी बातें बताता चलूँगा। तो किस तरीके से हमको शुरुआत करनी है, किस तरीके से हमको क्या करना है, तो दोस्तों आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले हम इसका बेसिक जानते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम इसको बेसिक जानेंगे किस तरीके से क्या होता है। देखिए हारमोनियम, देखिए दोस्तों मैं अभी कॉपी ले लेता हूँ, आपको दिख रही होगी हारमोनियम क्या होता है, किस तरीके से हारमोनियम होता है, थोड़ा मैं आपको इसका बेसिक बताऊँगा। देखिए दोस्तों समझिएगा, मान के लीजिए दोस्तों ये हमारा ऐसे करके देख लीजिए, ऐसे करके ये हमारा हारमोनियम है। ठीक है दोस्तों, ये हारमोनियम है और इसको हम बांट लेते हैं 3 सप्तक में। देखिए एक ऐसे करके और यहाँ करके, ठीक है हमने 3 सप्तक में इसको बांट लिया। इसको मैं डाल देता हूँ हेडिंग, डाल देता हूँ हारमोनियम। बहुत आराम से समझिएगा और दोस्तों वास्तव में आप इसको समझेंगे तो आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी। मुझे पता है आप यहाँ तक जानते होंगे पर बट फिर भी थोड़ा बहुत देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों 3 भागों में, इधर होता है हमारा मंद सप्तक, मंद सप्तक ऐसे करके हमने लिख दिया। जो हमारा इधर होता है इसको बोलते हैं मध्य, जो बीच वाला मध्य सप्तक, ठीक है दोस्तों। और इधर होता है तार सप्तक, ठीक है तार सप्तक। अब देखिए दोस्तों मंद सप्तक क्या होता है इसको हम जानेंगे, मध्य सप्तक क्या होता है इसको जानेंगे, और तार सप्तक क्या होता है इनको हम जानेंगे। देखो हारमोनियम में 3 सप्तक होते हैं, मैं आपको हारमोनियम की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ से मैं हारमोनियम शुरुआत से हारमोनियम दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ से ऐसे करके शुरू, देखो यहाँ से शुरू हो रहा है हारमोनियम, यहाँ से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक देखिएगा। यहाँ से जो सा है हमारा पहला सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर दोबारा सा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो हमारा ये मंद सप्तक होता है, मंद मतलब जो नीचे धीमी आवाज वाला, यहाँ तक देखो कैसे यहाँ से यहाँ तक मंद सप्तक होगा, यहाँ से यहाँ तक। फिर दोस्तों अब मध्य सप्तक की बात है, अभी मैं बताऊंगा आपको कितने स्वर होते हैं क्या होता है, वो सारी जानकारी मैं दूंगा। थोड़ा मैं पहले आपको सप्तक के बारे में नॉलेज करा दूँ। अब देखिए दोस्तों मैं इसको हारमोनियम को थोड़ा इधर सरका लेता हूँ। देखिए दोस्तों इधर देखिएगा जैसे, ठीक है अब देखिए दोस्तों हमने वहाँ से यहाँ तक देखा था, अब यहाँ से यहाँ तक ये होता है हमारा मध्य सप्तक।
जो ज़्यादा दोस्तों ज़्यादातर इसी स्वर में, इसी मंदव इधि, इसी सप्तक में ज़्यादातर ऐसे हम गाने गाते हैं, जो भी सॉन्ग है हमारे यहाँ तक ही चलता है। इस मतलब मेन सप्तक तो यही होता है, होते सारे मेन है पर ज़्यादातर इसी में गाते हैं। एक हमारा ये यहाँ तक मंद हो गया, सॉरी मंद यहाँ तक हो गया ये वाला, यहाँ मध्य हो गया, और यहाँ देखो दोस्तों, देखो यहाँ से यहाँ तक ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक। किसी हारमोनियम में थोड़ा दो चार स्वर एक्स्ट्रा हो जाते हैं, मैं उसकी नहीं कर रहा, पर आपको जो बात है उस जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसको समझिए। यहाँ से यहाँ तक ये तार सप्तक होता है। तो हमारे क्या हुआ दोस्तों, हमने क्या कहा कि हारमोनियम के कितने सप्तक होते हैं, तीन। कितने होते हैं, तीन सप्तक। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, तो टोटल मिला के कितने हो गए, तीन सप्तक। अब दोस्तों क्या स्वर होते हैं इसमें, कौन से स्वर होते हैं, वो मैं आपको पूरी जानकारी में आपको देने वाला हूँ। देखिए किस प्रकार से, अब देखिए दोस्तों, प्रत्येक स्वर में, प्रत्येक सप्तक में कितने स्वर होते हैं, बारह। कितने होते हैं, बारह, बारह, यहाँ भी बारह, ठीक है। हर एक सप्तक में बारह स्वर होते हैं, और बारह स्वर का विस्तार मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए दोस्तों, सा रे गा मा पा पा धा नी, ठीक है दोस्तों, ए नी और सा सा, ये हमारा तार। मैं बताऊंगा आपको, सारी डाउट आपको क्लियर करूंगा। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात नी तक, नी तक हमारे साथ, ये हमारा दूसरा सा शुरू हो जाता है। तो लिख दिया है मैंने, पर सात यहाँ तक, ये सात, ये जो सात स्वर जो मैंने लिखे हैं ना, ये दोस्तों मेन स्वर यही होते हैं, इसको बोलते हैं शुद्ध स्वर। क्या बोलते हैं, शुद्ध, शुद्ध स्वर, समझिएगा, इसको बोलते हैं हम शुद्ध स्वर, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारे सात स्वर हैं, अब देखिए मैंने आपको टोटल कितने बताए थे, बारह। अब देखिए जो सा और पा, मैं आपको बताता चलूँगा, ये सा और पा, जो सा और पा होते हैं ये हमारे होते हैं अचर। अचर का मतलब होता है ये अपने स्थान पर ही रहते हैं, ये हमारे आगे पीछे नहीं होते हैं। हारमोनियम पर भी बताऊंगा आपको, पहले इसको समझिए। ये जो सा और पा होते हैं ये हमारे अचर होते हैं, मतलब इनका कोई आपस में भाई बंधु नहीं होता है, ये अपने अलग ही होते हैं। अब देखिए दोस्तों, रे, रे हमारा, तो रे का एक छोटा भाई होता है, इसको बोलते हैं हम कोमल रे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, पर नीचे हम इसको ऐसे कर देते हैं, तो हमारा कोमल रे हो गया। गा होता है, तो गा का भी एक छोटा भाई होता है, कोमल गा, ठीक है, कोमल का। अब दोस्तों जो माँ होता है ना हमारा, सिर्फ हमारे सातों स्वरों में जो हमारे ये माँ होता है, इसका कोई छोटा भाई नहीं होता, इसका बड़ा ही भाई होता है, इसको हम बोलेंगे बड़ा भाई। तो हम माँ बनाएंगे, तो माँ को बोलते हैं हम तीव्र माँ, ऐसे करके ऊपर डंडा कर देते हैं। इसकी पहचान मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको दोस्तों पहचान भी बता रहा हूँ कि जो नोट्स देखोगे तो इन स्वर को देखोगे तो समझोगे कि ये स्वर शुद्ध है, ये कोमल है, ये कोमल है, ये शुद्ध है, इस तरीके से आप इसको समझेंगे। तो मैंने दोस्तों आपको क्या बताया, रे का छोटा भाई होता है कोमल रे, गा का छोटा भाई होता है कोमल गा, पर माँ का छोटा भाई नहीं होता, माँ का बड़ा भाई होता है, इसको बोलते हैं तीव्र माँ। मैंने बताया सा और पा क्या बताया, अचल बताए, ये अचल होते हैं। अब आए हमारे धा पे बात, तो धा हमारा कोमल धा होता है, एक इसका छोटा भाई होता है कोमल धा। और दोस्तों जो नी, इधर मैंने यहाँ नी, नी का भी एक छोटा भाई होता है, इसको बोलते हैं कोमल नी, ये शुद्ध है। और ये अब दोस्तों आप अपनी पूरी गिनती कीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब देखिए सात हमारे शुद्ध हो गए, कौन से शुद्ध, आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये दोस्तों हमारे कौन से हो गए, इनको हम अशुद्ध भी बोल सकते हैं, अशुद्ध स्वर। और इनको दोस्तों हम क्या बोल सकते हैं, कोमल स्वर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कोमल स्वर, कोमल स्वर। तो दोस्तों आपको कैसी जानकारी लगी, आप जब से डाउट में रहते थे कि कौन कोमल है कौन क्या है, मैं हारमोनियम पर भी बताने वाला हूँ, पर आपको ये जानकारी दोस्तों मुझे लगता है किसी ने नहीं दी होगी, दी होगी तो इस तरीके से नहीं दी होगी जो आपको मैंने दी है। अब दोस्तों मैंने आपको जो ये बारी बातें लिखाई हैं, इसको हम हारमोनियम पर समझते हैं। इसको देखो मैं यहाँ रख लेता हूँ ऐसे करके, और इसको हारमोनियम पर हम समझेंगे। देखिए दोस्तों कहाँ, इधर रख लेता हूँ, दिख रही होगी आपको, इधर ऐसे करके, चलो आइए हारमोनियम पर हम इसको सीखेंगे किस तरीके से। इसको डाउट में ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा इधर सरका लिया, अब मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा, इसको भी दिखता रहेगा। देखिए इधर, अब देखिए दोस्तों किस प्रकार है, मैंने बताया हम मध्य स्वर की बात कर रहे हैं, मध्य सप्तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए यहाँ से लेके हम यहाँ तक की बात कर रहे हैं। अब सा रे शुद्ध की बात कर रहा हूँ, गा मा पा धा नी, दोबारा से सा रे गा मा पा धा नी,
ये वाला नहीं, ये शुद्ध हो गए। अब हमारी बात आई कोमल की। कोमल क्या होता है? देखो मैंने बताया सा और पा हमारे ऐसे होते हैं, अचर होते हैं, इनका कोई भाई बंधु नहीं होता है। तो हमारा रे आया, तो रे का मैंने बताया छोटा भाई बताया, तो छोटा भाई देखो हमेशा बड़ा भाई इधर आगे आता है और छोटा भाई पीछे आता है, तो रे है, रे का छोटा भाई कोमल रे कौन सा होगा? ये वाला, समझ रहे हैं ना आप, ये वाला। तो ये शुद्ध रे, ये कोमल रे। अब मैंने बताया गा, गा का देखिए, गा का मैंने क्या बताया, ये गा बड़ा भाई हो गया छोटा भाई, ये गा हमारा शुद्ध होता है, इसका छोटा भाई ये कोमल गा, ठीक है, ये हमारा कोमल गा हो गया। ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए। अब बात आई हमारी माँ की। माँ की मैंने आपको बताया था माँ का छोटा भाई नहीं होता, माँ का होता है बड़ा भाई, तो माँ हमारा यहाँ से ये वाला बड़ा भाई हो जाएगा, इसका तीव्र माँ हो जाएगा, ऐसे करके बात आई। इसके अगला शुरू होता है पा। पा का मैंने बताया सा और पा हमारे अचल होते हैं। अब आता है हमारा धा, ये हमारा शुद्ध था, पर मैंने बताया ये रहा देखिए धा, ये धा है, और धा का मैंने क्या बताया छोटा भाई ये इधर, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। और धा शुद्ध कोमल धा, अभी नी शुद्ध और इधर एक स्वर बच रहा है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा कोमल नी, ये वाला, ठीक है। आशा करता हूँ ये बात दोस्तों मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, स्वर की पहचान, स्वर का नाम क्या कोमल होता है, कौन तीव्र होता है, वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब दोस्तों मैं हारमोनियम की तरफ लेके चलता हूँ और हारमोनियम थोड़ा मैं बजा के आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों सरगम बजाऊंगा, ऐसे करके। अब देखिए दोस्तों हम इसको थोड़ा बोलेंगे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, समझ गए आप, यहाँ से यहाँ तक समझ गए होंगे कौन क्या है, सरगम भी समझ गए होंगे। और दोस्तों मैं एक दो एक्स्ट्रा स्वर आपको सरगम बता देता हूँ, जिससे आपको रियाज करोगे उससे आपको थोड़ा फिंगर भी बनेंगे। देखिए दोस्तों इसको आप जल्दी कर सकते हो, सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, जल्दी कर सकते हो। जो भी आपको मन करे सरगम का रियाज कीजिए दोस्तों, जो मेन होती है वो सरगम ही होती है, सरगम का रियाज करोगे तो सब कुछ यही है। अब दोस्तों ये मेन सरगम हो गई, अब इसके बाद देखिए इसको डबल कर दीजिए, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। आप इसको और अच्छा कीजिए, थोड़ा और अच्छा जल्दबाजी कीजिए और आप थोड़ा स्लो कर सकते हैं, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा सॉरी गा गा रे रे सा सा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब दोस्तों एक और सरगम होती है सा रे गा रे गा मा गा मा पा धा नी धा नी सा सा नी धा नी धा पा मा पा मा गा रे गा रे सा रे गा रे गा मा गा मा पा धा पा धा नी धा नी सा नी धा नी धा पा धा पा मा गा रे गा रे सा। दोस्तों सरगम जितना रियाज करोगे उतना ही आपको अंदर ये लगेगा कि हाँ मैं कुछ सीख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से एक और सरगम होती है सा गा रे मा, इसी सरगम पर आप कुछ भी कर सकते हैं, मंद सप्तक में चले जाइए, तार में चले जाइए, हारमोनियम पर सरगम का रियाज कीजिए, ये शुद्ध हो गए। इस तरीके से आप करोगे तो आपको पास्ता में ये आ जाएगा। अब दोस्तों सरगम जितना रियाज कर लोगे उतना आपको अच्छा लगेगा, मैंने आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दी और गाने अबाई। और दोस्तों बात आती है गाना निकालने की, तो धीरे धीरे आप सब कुछ सीख जाओगे, ऐसे थोड़ी है कि आप एक ही वीडियो में सब कुछ सीख जाओगे। जो मैंने बताया उसका रियाज कीजिए, बहुत ही अच्छे से आप वो सीखेंगे। फिर भी दोस्तों मैं आपको और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बता देता हूँ। देखिए दोस्तों जैसे सरगम है, गाना निकालने की बात है, तो गाना हम देख लीजिए हमारा शुरू कहाँ से हो रहा है। सबसे पहली बात है हम स्वर का स्वर हमें पकड़ना चाहिए, जैसे हमने कोई स्वर दबा लिया, देखिए जैसे जैसे कुछ भी गुनगुनाइए जो तुम्हारा मन करे, भरोसा कर लो तुम।
तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बजाना जानता हूँ, पर बट क्या है कि जो भी तुम्हारा मन करे कहीं से भी, देखिए दोस्तों जहाँ अब ये भरोसा कर लो, कहाँ से जा रहा है आवाज़, कहाँ जा रही है, भरोसा कर लो तुम, अब हमारा पास से उठ रहा है गाना। अब देखो दोस्तों यहाँ से, आए हो मेरी जिंदगी में तुम पहाड़ बनके, सब कुछ यहीं से निकलता है दोस्तों। अगर आप उसको समझो अच्छे से, जो मैंने बताया उसको फॉलो करो, सब कुछ यहीं से निकलता है। धीरे धीरे आप इसका रियाज कीजिए, सब कुछ आसान हो जाएगा। जो भी डाउट लगे मुझे कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं पक्का आपके लिए ऐसी ही वीडियो और अच्छी वीडियो आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूँ, और जो भी डाउट होगा मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और दोस्तों ऐसी वीडियो से बचिए जो आपको कहता है कि 2 मिनट में सीख जाएंगे, 3 मिनट में सीख जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। रियाज कीजिए, जो मैंने बताया उसको फॉलो कीजिए, सब कुछ होगा। बस मेरी बात का भरोसा रखिए, मैं आपको हारमोनियम सिखा के मानूंगा दोस्तों। मेरी पहली वीडियो है, बट धीरे धीरे ऐसे करके वीडियो आएंगी, आप खुद से गाना मैं कहता हूँ निकाल पाओगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।